हेलो एंड वेलकम टू ग्लेड्स। तो आज ये क्लास टेस्ट 3 हुआ था हमारा। तो इसका थोड़ा सा आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी लोग जिनके जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो अपने अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आज के क्लास टेस्ट 3 का क्लास टेस्ट कौन सा 3 है ना, क्लास टेस्ट 3 का ये सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसे 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, कोई राशि मान लीजिए पी है और वो कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है ना। 3p कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। 8 वर्षों में हो रही है। अब ये पी धनराशि पूछ रहा है कि 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज देखिए कितना है, 2p ब्याज है ना यहाँ पे, यानी कि जो फाइनल अमाउंट आई है और जो इनिशियल अमाउंट है उसका जो अंतर है कितना है, 2p है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्ष का क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। तो एक वर्ष का कितना होगा, 2p/8 है ना, क्योंकि 8 वर्षों का अगर 2p है तो एक वर्ष का आ जाएगा p/4। ठीक है, तो एक वर्ष में p/4 ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना ब्याज है, 4p ब्याज है ना। तो 4p ब्याज कब तक हो जाएगा ना, एक वर्ष में होता है p/4, तो 4p कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कितना से गुणा करें कि 4p आ जाएगा ना, तो इसको करेंगे 16 से। ठीक है, तो 16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी था इसका, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थैंक यू।